फिर प्रॉपर तुसी दाना पानी जेड़ा ना इन्हां ना बड़ा टाइम टेबल और बड़ा हिसाब किताब रखना है। हुण आ जांदे आपां दूसरा टॉपिक दाना पानी वाल। किहड़े टाइम कबूतर नूं दाना पाना चाहिए, किहड़ा दाना पाना चाहिए, किहड़े मौसम दा किहड़ा दाना है और उसका पाण दा तरीका की है। सब तो पहले थोड़ा दाना जेड़ा भी तुसी पाने, चाहे तुसी अमीर शिकारी है चाहे गरीब शिकारी है, चाहे तुसी सीजन की कणक पाने हैं चाहे सीजन तुसी बाजरा पाने हैं चाहे मूंग पाने हैं चाहे सरों पाने हैं चाहे अलसी पाने हैं, कोई भी चीज़ तुसी पाने हैं, सब तो पहले थोड़ी साफ सुथरी होवे, उनू घोड़ना लगी हुई होवे, वह गली पसी ना हो, स्मैली ना हो, जिवें सर्दियां आंदियां नमी आंदी आ बो मार जांदा दाणा पिया पिया। सर्दियां आ गई, जिवें आपां मक्की नूं धुप लवा के सुकांदे आ, दाणा भी सुकाओ तुसीं यार। शौक दे उत्ते कीड़ी चीज़ है, असीं बच्चे भुल जांदे आ, टाइम टेबल नहीं देखते, खाना पीना नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, फिर ये छोटी छोटिया चीज़ों नूं जरूर देखिया करो कि भाई साडा शौक है। शरीकां दीआं गल्लां नहीं सुन होणियां, शरीक एवें ठंडे नहीं होने, उन्हां नूं जवाब देण लई मैनूं मेहनत करनी पैणी है। सो दाणा तुहाडा बेहतरीन होना चाहिए। हुण कुछ लोग ने ना जिहड़े वो ब्रीडर कबूतरां नूं भी उही दाणा रखदे आ, उड़न वालिआं नूं भी उही दाणा रखदे आ, बच्चिआं नूं भी उही दाणा रखदे ने। हालांकि टोटली रोंग है। अगर तुसी बच्चे नूं ब्रीडर कबूतर नूं अगर तुसी सिर्फ बाजरा पाने आ, सिर्फ बाजरा पाने, गर्मी दे विच तुहाडा कबूतर 70% उत्तों शार्ट होगा, क्योंकि गर्मैश है और दाणा खुशक है, है और खुशक कबूतर जाहरी गल है जो टम्परेचर च होएगा उन्हें लो लगेगी, उन्हें या पानी ते जाना है या हीट हो गई उसके दिमाग में गैस चढ़नी है, पोटा ना हम पोटे दे विच हीट है, दिमाग में जो गैस चढ़ेगी वापसी कबूतर आता ही नहीं, उत्तों तुसी उन्हें ठंडा पानी ठोक के ला देना या मेडिसन ठोक के ला देनी है। जिन्हें सारा साल बाजरा खाधा या जिन्हें सारा साल कणक खाधी है, देखो ना, बेशक बहुत ताकत वाली चीज़ा ने मक्की बाजरा कणक मूंग ये सारिया चीज़ा जबरदस्त ने, लेकिन इन्हों पाण का तरीका है। हुण देखो ना कि असी जड़ा है असी सर्दी है, फुल सर्दी है, अगर सर्दी दे विच सारा सीजन ही सरों पावांगे साढ़े कबूतर बीमार ही रहणगे, हड्डियां ही कढ़णगे, क्योंकि उन्हों जरूरत ही गर्मी दे विच सी सरों दी, सरों ठंडी है, तासीर ठंडी है, फिर ऑयली है। हुण अगर गर्मी है, गर्मी दे विच असीं फुल दे विच बाजरा पाई जावांगे, कणक पाई जावांगे, और तुहानू पता है ताकतवर भी है, हीट भी है और खुशक भी है, फिर भी साढ़े कबूतर एंड वाले टाइम जाके या भज जाएंगे या बह जाएंगे, मतलब कंबीनेशन नहीं साढ़े कोल हैगा। और कंबीनेशन क्यों नहीं कि सानू कोई गाइड करने वाला नहीं हैगा, असी किसी को पूछना भी जिद और अनाह का मसला कि असी किसी को क्यों पूछिए, इस बहुत बड़े उस्ताद हैं भाई, जिहड़ियां सीखने वाली चीज़ा ने ना वो जरूर सीखो। मैं 100+ बाजियां जिहड़ियां सीजन दे विच जित्ते हां और मैं बंदा कदी गोली पानी ठंडे पानी दे इतबार नहीं करता, मैं हमेशा कबूतर ते इतबार करना और कबूतर दी फिटनेस ते करना। अगर थोड़ा कबूतर फिट है, अगर थोड़ा कबूतर जेड़ा है तगड़ा है, खादा पीते है, उन्हें गर्मी सर्दी दी उन्हें खुराक खाधी है, ओह कबूतर थोड़ा तीसरी तो चौथी डार वैसे ही शाम मारूगा। अगर वो शाम नहीं मारदा, गर्मी की गल कर रहा मैं, अगर वो शाम नहीं मारदा कम से कम वो 2 या 3 लाजमी करूगा। हुण 3 बजे तक जिहड़ा कबूतर उड़दा है फैसला होना 42, 43, 44, 45 टेंपरेचर है, फैसला होना 5, 5.5, 6 भी ला लो, हुण 3 बजे तक जिहड़ा कबूतर उड़दा है, कराने ते तुसीं उहदे कोल सिर्फ 3 घंटे ने ना। अगर थोड़ा फिट कबूतर है उन्होंने हल्का जिहा तुसीं टच दे दोगे ठंडे का या गर्म का, 3 घंटे करके बैठूगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਲਕੀਆਂ ਠੋਕ ਹੀ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਵਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਭਜਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਮੀਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਮੀਟ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਟਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੀਫ ਖਾਂਦਾ। ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧੇਗਾ ਬੰਦਾ ਪੰਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਪਏਗੀ, ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਈਏ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਹਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਫੁੱਲ ਠੰਡਾ, ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਠੰਡੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਮੂਨੀਆ ਸਰਸਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ 2-2 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੂਲ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੈਕ ਸ਼ੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋਵਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਡਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਜੱਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਬਰ ਕਿਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜਿਸ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਔਰ ਬਾਜਰਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਲੋਅ ਫਲਾਇਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਓਗੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀਟ ਲਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਰਕਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਟੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਦਾਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੋਣ, ਆਇਰਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ,
और ये सारिया वह चीज़ा ने जो तुम कबूतर ये दे देनी है ना, तो थोड़ा जोड़ा कबूतर है सर्दिया धुंदा के भी जालिया पाड़ूगा, पूंछा ला ला गुटकूगा कि मैनू छोड़ो भाई, मेरे अंदर है इन्ना फिटनेस, इन्ना इन्ना मेरे अंदर मवाद है। फिर देखो जिस बंदे ने सर्दियों के दाना पानी अच्छा पा लिया, उड़न वाले बच्चों जोड़े जेठ के अड़ाने पंजवें छेवें महीने अड़ाने, अगर उन्होंने सर्दियों के दाना अच्छा पा लेंगे ना, वो गर्मियों थानू रिजल्ट जरूर दूगा। देखो तुम महीना पहले बादाम शुरू करते हैं गर्मी, 15 दिन पहले शुरू करते हैं या 2 महीने पहले बादाम तुम उदो पाते जो कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं। जो कबूतर उड़ता है उन्हें अपने अंदरों ताकत का ताकत जाया करनी है, उन्हें उड़ के आना ना, खत्म होकर मुक के आना, जेडे तुम बादाम दिते होने ना उन्हों का असर बिल्कुल मुक जाना। हूँ जेडे कबूतर तुम सर्दियों अच्छा दाना पानी दिता सी, फीड दीती सी, वो जो उड़ूगा ना बादाम खा के, वह बादामों का असर खत्म कर गया होगा जिहड़ी सर्दियों की उहदे अंदर रतूबत कह लो ताकत कह लो बची सी, उहदे अंदर स्टिल खड़ी होगी। हुण मैं तुहानू एक मिसाल दे दिंदा, मैं बंदा मैं कदी जिंदगी दे विच भज्जिया नहीं हैगा, 1 किला 2 किले मुरब्बा 2 मुरब्बे 5 मिनट 10 मिनट मेरी रनिंग है नहीं, समझाने की खातर मैं तुहानू गल कर रहा, वैसे तो बहुत है रनिंग है नहीं, भज्जिया नसिया नहीं मैं कदी। अगर मैनू भजना पै जाए चाहे मैं सुबह टाइम दुध का गिलास पी लिया, रात को दुध का गिलास पी लिया, भी सुबह मैं भजना हूँ इन्ना कि मैं भज लाँगा, फिर रातों रात जो दुध का असर से जोड़ा दुध की ताकत सी वह जिनी कि मैं मिल गई उन्ना क मैं भज लिया, जो मेरा साह फूलना कमज़ोर होना मैं गिर जाना। तो एक बंदा है वह सर्दियों गर्मियों की डाइट भी लै रहा है, वो प्रापर अपनी वर्जिश दे विच भी है, अपनी फिटनेस दे विच भी है, मेरा उहदे नाल मुकाबला हो जाए वो मैनू जितण ते नहीं ना देगा। हुण जिहड़े बंदे ने 1 साल पहले मक्खण खाना शुरू किया सी ते मैं अज दुध पी के उहदे नाल मुकाबला करना है, बनदा नहीं हैगा, मुकाबला हैगा नहीं। सो इह जिहड़ियां चीज़ां ने बहुत अहमियत दी हामल है, यकदम खुराक देने नालों बेहतर है थोड़ी थोड़ी दिंदे रहो, टम्परेचर देख के कबूतर की बॉडी देख के यकीन कर लो, जिहड़े जिहड़े मैं दाणा पाणी कबूतरां नूं पाउंदा अपने शागिर्द ने चाहे दोस्त ने, उहनां दे कबूतर दो हत्थां च फड़ने पैंदे और इन्ने फिट हुंदे है, इन्ने गवी हुंदे है कि वह पर छड़ा के मारन हाथ ते दर्द हुंदा है, चंगे भले बंदे नूं पता लगदा है वी पर वज्जिया थलों लाल टमाटर तरह सर्दियों बन जाते हैं, गुंदे पै होंगे मास पूरा होंगे, क्योंकि कबूतरबाजी च एक पढ़े लिखे आदमी का होना बहुत जरूरी है, एक अकलमंद का होना बहुत जरूरी है, और जिनी छेती दोस्त यह मन जाओगे उन्नी छेती जोड़ा ना शौक थोड़ा सलामत रहेगा और वधूगा। मैं नहीं कहता तुसी चने ना पाओ, मैं नहीं कहता मक्की ना पाओ, मैं नहीं कहता मूंग दाला ना पाओ, सरों ना पाओ, लेकिन गल वेले दी फल मौसम दा चंगा हुंदा सियाने कहिंदे आ। हुण जिहड़े दोस्त हले भी तारा मीरा पा रहे आ, हले भी अपना सरों दा टच दे रहे ने, इह गल ज़हन दे विच रखण, उन्हां जिवें ही सर्दी दी इक लहर आ गई ना सारे कबूतर पुट्ठे हो जाणे आ, क्योंकि भाई बाहर ठंडक अंदर ठंडक, कबूतर जाऊगा किधर नू, जिड्डा भी कबूतर गरमैश वाला, जिड्डा भी कबूतर थोड़ा ताकतवर आ, उन्हें झटका लगना ही लगना। फिर असं कहते हैं लकवे हो गए, झोले हो गए, फिर असं जिमें सर्दी आँदी असी सारा कुछ ढक ढुक दें, बंद कर देंगे कबूतर का, और उत्तों धुप चढ़ती है, फिर धुप के नाल जो अंदर न हवाड़ दे विच बिठा की स्मैल और अंदर जी गरमैश होंगी है, फिर असं कहते हैं धुप चंगी तरह निकल लवे फिर इन्हों खोलेंगे, धुप चंगी निकलन के चक्कर कबूतरों का रग कट दी जाया हो जाते साढ़े, इनफेक्शन हो जाता उन्होंने। दाणा पानी ऐसा पाओ सर्दी या गर्मी कबूतर दाड़े फिट हो, जिमें
गर्मी च सैट होंदे आ, सर्दी च भी सैट होंदे आ। सिर्फ माइंड चेंज करो अपना, ये ना देखो कि साडा उस्ताद आ काम करदा सी असीं वी ही करना। वो भाई जो थोड़ा उस्ताद काम करता सी उदों चलदा ही बाजरा कड़ंग सी, हुण ते दाणे इन्ने आ गए मैं ना नहीं गणा सकदा। एक दाणा खुरदम, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब गूगल, लेंदे चढ़ते पंजाब च मिलता, तोतियां नूं ज़्यादा पाई जांदा, बहुत ज़्यादा ताकत वाला दाणा है। यही हुण तुसीं सर्दियां च यूज़ कराओगे, कबूतरां दे जिहड़े पर ने इन्ने शाइने वाले निकलणगे, इन्ना ताकत मिलेगी। मियाँ मियाँ अंत अल्लाह मियाँ मियाँ। हुण जिस टाइम तुसीं हीट वाला दाणा पा दिता सर्दियों के, और इनू फिर एक मुद्दत तक रखना, फिर जिमें ही मौसम चेंज हो दाना भी चेंज करना। और सब तो बड़ी गल, सानू दाना पानी चेंज करने लगे हम असल मिसाल कितने आते हैं, असी बाजरा पा रहे थे ना, यकदम दार बाजरा बंद किया, कणक ते आ गए। और जिमें ही असी कणक पाना शुरू की है, कबूतर के पोट रुक गए, कबूतर दाना नहीं खा रहे। असी कहें कणक खाते नहीं है, वह नहीं भाई खा नहीं, उन्होंने खाधी इन्नी है कि रुक गया निजाम। हुण देखो ना, तुसी सब्जी खांदे सी, वैजीटेरियन सी, यकदम तुसी मीट ते आए, और एक महीना ही या 15 दिन ही तुसी या 7 दिन मैं कहांगा मीट खा लिया ना, तो तुसी वाशरूम जाके बैठ रहे होगे, फिर निकलूगा कुछ नहीं, क्योंकि इन्नी ओ थानू अंदर जिहड़ी खुशकी हो जानी है, मरीज हो जाओगे तुसी। कोई भी चीज़ है मैं थानू दसदा, ना ज़्यादा खाओ ना घट खाओ। हाँ, अगर तुसी कोई भी दाना पानी चेंज करना है, उसका एक तरीकाकार है, बाजरा है ना, ये तुसी बंद करना, थोड़े को थोड़ा रह गया, हुण तुसी कणक शुरू करनी है। मिसाल दे रहे हैं, बाजरे दे विच कणक पा के 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन उन्हें चलाओ प्रॉपर, जदों बाजरा और दाना मिक्स खाण लपण, फिर तुसी चाहे कणक ते कर दो, चाहे अगर कणक पाते सी फिर बाजरे ते कर दो। अगर तुसी गर्म दाना पाता सी, ऐसा ऐसा फिर जिवें ही मौसम चेंज होते च ठंडा दाना ऐड करते जाओ। यकदम कोई भी चेंज, कोई भी दाना तुसी चेंज करोगे, थोड़े कबूतर नूं मसला बनूगा ही बनूगा। तो ब्रदर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुसी मेरा इंटरव्यू इंजॉय किया, आई होप कि वधिया गल्लां होईयां, वधिया इह टॉपिक रहा। तो मेरी हुण सेहत जिहड़ी है इन्ना नहीं काट कट रही कि जड़ा मैं मजीद अगे बोल सकाँ। मेरा टॉपिक हुण तीसरा रह गया जोड़े लाण दा, वह नैक्सट वीडियो दे विच इंशाल्लाह जड़ा मैं दसांगा। बाकी अगर कोई दोस्त, मैं पहले भी दस चुकिया हर वीडियो च दसदा, कोई सीखना चाहता है परसनल, चाहे वह दुनिया के किसी भी मुल्क है, चाहे वह किसी ग्रुप ना अटैच है, किसी उस्ताद ना अटैच है, या नवा शौकीन है, वह मेरे ग्रुप च ऐड हो के प्रॉपर A to Z गेम सीख सकता है, जिस दे विच दाना पानी सर्दी गर्मी का सांभ संभाल, ठंडा पानी गर्म पानी, मेडिसन का नुस्खा, कस्तूरी का नुस्खा, देसी नुस्खा, देसी प्लस मेडिसन नुस्खा, हर चीज़ ले सकता है। वो कुछ फीस होंगी है, वह पे करके, कुछ असूल ने वो करके जड़ा ना तुसी A to Z गेम सीख सकते हो, और अपने घर बैठे, बजाय इस दे के तुसी किसी दे हीणे हो, बजाय इस दे के तुसी कहो कि हाँ यार मेरा उस्ताद है, लेकिन हुण मैं किसी होर नूं उस्ताद क्यों फड़ा। मैं नहीं कहिंदा मैनू तुसी उस्ताद फड़ो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तुहाडे कोल, तुसी जुड़ के सीख सकते हैं। हाँ, अगर थोड़े को बहुत ज़्यादा टाइम है, तुसी मेरे चैनल विजिट करके इतों भी हर चीज़ सीख सकते हैं, फ्री फोकास्ट। अगर तुसी परसनल सीखना चाहते हैं, जाहिर गल है टाइम देना पैंदा है मेरी जान। एक कबूतर तैयार करने वास्ते थानू 48 घंटे चाहिए ने तैयार करने लिए, और 48 घंटे च उस्ताद की मौजूदगी, अपने रहनुमा, अपने मैंटोर की जरूरत बहुत ज़्यादा होंगी है। अगर कबूतर नूं पानी दे दिते जाओ वो चलावे ना ना, तो बंदा कहता यार मैं साल हो गया मेहनत करते हुए, हूँ इतने आकर मसले का शिकार हो गया। तो इन छोटे छोटे मसले मसैलों तो कोई दोस्त थानू छड़ जाता है, नहीं हैल्प करता, तुम कल रह गए हैं। सो मैं थोड़ा वीर जोरी आसव थोड़े नाल है यार, आप दिल गार्डन गार्डन करा। तो बाकी कोई दोस्त जुड़ना चाहता है, मैं खुशी होगी इस चीज़ की। हाँ, कोई मेरे को सीख के जाता है, बहुत ज़्यादा दोस्त सीख के गए हैं, अज तक उन्होंने ना लैके वीडियो भी नहीं बनाई, 11 पॉइंट तो 10 वो कला ही जित गया, नहीं वीडियो बनाई। भाई ठीक है, भाई तू पे किया तू हक रखता। हाँ, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे हलाली खानदानी, वो जुड़ के रेंदे ने नाल, नहीं उस्ताद तेरे नाल रहना यार, क्योंकि गेम तो हर साल ही चेंज हो जाती है। हुण अगर कोई दोस्त मेरे को सीख के चले गया, वो कहें कि बस असं कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, समुंदर है भाई,
ਸੀਜ਼ਨ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਸੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 24 ਆ ਗਿਆ, ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਨੋਕੀਆ, ਹਰ ਤਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੋਕੀਆ ਨੋਕੀਆ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੋਕੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਮਝਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਐਪਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਸੈਮਸੰਗ ਵੀ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਓਪੋ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਵੀਵੋ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਛਿੱਤਰ ਸੀ ਐਡੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲਵ ਯੂ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਲਵ ਯੂ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।